fucking, you are fucking. You fucking, fucking, you bloody. You bloody. You bloody. Bastard, bitch. You fuck, you fuck. हेलो बेटा, कैसे हो? अरे ये बहू का मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे पापा क्या बताएं, इनके एक दोस्त ने इनको बोला कि 250 रुपया भेज, आधे घंटे में 500 रुपया बन के रिटर्न हो जाएगा। 2 घंटा हो गए, अभी तक कैशबैक नहीं आया ना, इसीलिए टेंशन में है। अरे रे रे, ये तो स्कैम 2021 हो गया। ये देखो पापा, हम पूरी पहुँच ही गए। क्या बात है बेटा, जय जगन्नाथ। सो पापा, फाइनली हम होटल में पहुंच गए। होटल पुष्पा नाम है इसका, और सारी फैसिलिटीज तो मिली हैं इस रूम पे हमको। हम यहाँ 3 रात रुकने वाले हैं, और ये देखो पापा, यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है। वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है, बस चल रहा है कि नहीं चेक कर लेना। एंड ये देखिए, आपकी बहू तैयार हो रही है, बाहर घूमने जाना है। ओ मतलब शाम तक रेडी हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा था पापा, ये लो शाम हो गई, और ये हमारे बालकनी से व्यू देख लो पापा, इस तरफ समंदर पूरा आपको दिखता है, देखो। तो पापा आज फर्स्ट डे है, और हमने सोचा कि चलो सी बीच में थोड़ा घूम के आ जाते हैं। पापा मैं जिंदगी में पहली बार पूरी आया हूँ, और क्या बताऊँ आपको, इतना अच्छा महसूस हो रहा है मुझे अभी सी बीच में घूम के, ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गया हूँ। जहाँ प्रभु श्री जगन्नाथ रहते हैं वो तो स्वर्ग ही हुआ ना बेटा। जी हाँ पापा, बिल्कुल सही कहा आपने। पापा ये देखो, पूरा बीच खचाखच भरा हुआ है, और ज्यादातर छोटे छोटे जो वेंडर्स रहते हैं वो अपने सामान बेचते हैं इधर, और अच्छा खासा इनकम भी कर लेते हैं। हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई थी। अरे अरे, ये हमारी बहू क्या कर रही है? बेटा इनको संभाल के रख। हाँ पापा, मैं इधर ही हूँ, कोई टेंशन नहीं। अरे वाह बेटा, बीच में हाथी भी घूम रही है। पापा हाथी नहीं है, ऊंट है। अरे 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 भाग्यवान, जरा चश्मा लाना मेरा। पापा पिछले 2 घंटे से हम इस बीच में घूम रहे हैं, मन ही नहीं भर रहा पापा, मन कर रहा है इधर ही घूमते रहूं रात भर। अरे बेटा ऐसा मत करना, लोग पागल बोलेंगे। ये देखिए, आपकी बहू तो जमीन पे ही लेट गई। अरे हमारी बहू बहुत डाउन टू अर्थ है। ओ दीदी, 10 रुपया दो ना, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ओ पागल दीदी। अरे क्यों यहाँ जमीन पे लेट गई आप? चलो मैं बैलून दिलाता हूँ आपको। पक्का दिलाओगे? अरे बाबा हाँ, चलो। ये देखो पापा, बलून दिलाऊंगा बोला तो कितनी खुश हो गई आपकी बहू। पर पापा मुझे एक बात बुरी लगी इस बीच पे, ये जो लोग आते हैं ना, बहुत गंदगी फैला रहे हैं बीच में, जिसके वजह से हमारे जो सफाई कर्मचारी है ना, इनको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है पापा। तो प्लीज जो भी यहाँ बीच में आते हो, इंजॉय करो, मजे करो, खाओ पियो, बट जो कचरा है वो मत फैलाओ यार। पापा हमने बहुत घूम लिया, अब चलो कुछ शॉपिंग करते हैं इधर ही बीच पे। ओ माय गॉड पापा, देखो कैसे लाइट्स जगमग जगमग कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए पापा, मैं लेके रहूंगा। पापा देखो लाइट कैसे आसमान तक जा रही है। बेटा तू कब बड़ा होगा रे? तो दादा कितना बोल रहे हो फाइनल? ओके 50 रुपये एटलीस्ट कम करिए, हम भी खुश आपकी खुश, ठीक है 450 कर दो। चलो अरे सुनो, वो वाला लेके चलते हैं। कौन सा? अरे वो वाला, वो ये वाला। हाँ इसका पता है क्या, ऊपर का नीचे करो तो नीचे का ऊपर आ जाता है, और नीचे का ऊपर करो तो ऊपर का नीचे चला जाता है। हाँ रहने दो, बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे वो चाहिए वो। भैया वो दिलाना। हाँ ये कैसा दिख रहा है? हाँ अच्छा ही है। चलो ये एक तो लूंगी, इसके अलावा दूसरा। हाँ ये भी दिखाओ। हाँ ये सही है, हाँ लेकिन छोटा है थोड़ा। भैया वो दिखाना, वो दूसरा वाला, वो हाँ वो राइट वाला, राइट। हाँ करेक्ट। अरे हाँ करेक्ट, अब दूसरा भी लाओ। ये ले जाए मैडम, ये भी ले जाए। हाँ सही है, सही है, वाह। 4 के 4 ले जाओ मैडम। अरे नहीं रे बाबा, मैं ले नहीं रही हूँ, तुझे बता रही कि इसको ऐसे सजा के रख तो सेल होगा, वरना कोई नहीं लेगा। क्या मैडम टाइम पास करने आते हो, चलो जाओ इधर से। मैं कैसे दिख रही हूँ बताना जरा? अरे बिल्कुल श्रीदेवी लग रही हो। पापा देखो मैं श्रीदेवी के साथ घूम रहा हूँ। अरे क्या बात है बेटा, वाह।
पापा कुछ दिखा आपको इधर? नहीं बेटा। अरे यहाँ के सारे बोर्ड्स वगैरह, होटल, दुकान, सारों में पता है क्या बंगाली में भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है ना वो बंगाल से आते हैं और पूरी में ज्यादातर बिजनेस बंगालियों के वजह से ही चल रहा है। अरे हाँ सही बात है। पापा देखो ये रात का डिनर हमने यहीं होटल से ही ऑर्डर किया और हमें कुछ ये मिला है, तो हमें ये चावल, ये तड़का और ये मशरूम और रोटी और कोल्ड ड्रिंक्स मिला है पापा। सही है बेटा, खाते जा खाते जा। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग बेटा। पापा आज हम कोणार्क मंदिर और धौलीगिरी देखने जा रहे हैं। अरे वाह, बहुत दिन हुआ मैंने भी नहीं देखा, चलो आज मैं भी देख लूंगा। यस पापा, हमारी गाड़ी अभी मरीन ड्राइव के अंदर होते जा रही है। वाह बेटा, इस रास्ते में गाड़ी चलाने में मजा आ जाता है यार। पापा ये देखो बीच में जाते वक्त ना चंद्रभागा गिरा, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे भी एक राउंड मार लिया जाए, और हमने यहाँ फोटो भी खिंचाया पापा। अरे सही किया बेटा, वाह वाह वाह, क्या बात है। पापा यहाँ पे भी लगभग पूरी बीच जैसा ही माहौल है, बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो, पर ज़्यादा धूप हो रही थी और हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके और सीधा हम कोणार्क मंदिर के लिए निकल गए हैं। तो पापा कोणार्क मंदिर में एंटर करने के लिए आपको पहले इस टिकट काउंटर से टोकन लेना पड़ता है। ये टोकन कुछ इस तरह से दिखता है और इसको आपको यहाँ एंट्री गेट में डालना पड़ता है, तब जाके आप अंदर एंटर कर सकते हो। ओ ग्रेट बेटा, वाह। अरे पापा क्या बताऊं, जितना टीवी में देखा था ना उससे भी ज्यादा खूबसूरत है जब इसको आप सामने देखोगे। हमारे प्राचीन काल के लोग कितना टैलेंटेड थे, ये इन आकृतियों को देख के ही पता चल जाता है। अरे क्या हुआ? मेरा बैग टूट गया। अरे कोई बात नहीं, नहीं दिला देंगे, चलो। पर पापा ये जो टूरिस्ट गाइड्स दिख रहे हैं ना, मुझे ये लोगों का एटीट्यूड पसंद नहीं आया। बहुत हड़बड़ी कराते हैं हर चीज बताने में और जल्दी से जल्दी आपको सिखा के निकाल देते हैं बाहर, एंजॉय ही करने नहीं देते यार। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा टूरिस्ट गाइड मत ही लो। हम पापा खुद ही खुद घूम रहे हैं आवारा पागलों की तरह, देख सकते हो आप, और बहुत मजा आ रहा है अकेले घूमने में, कोई गाइड की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम पापा। हर एक दीवार में छपी आकृतियों का आनंद ले रहे हैं। पापा मंदिर से बाहर निकलते ही आपको यह छोटा सा एक मीना बाजार दिख जाएगा, यहाँ पे आप बहुत कुछ शॉपिंग कर सकते हो अपने लिए। घड़ी धूप हो रही थी तो हमने और मैडम ने सोचा चलो एक चश्मा ही खरीद लेते हैं। कैसे दिख रहे हैं हम दोनों चश्मे में? अरे बेटा तू तो रजनीकांत लग रहा बेटा, और बहू तो एकदम हेमा मालिनी लग रही। तो पापा धूप में घूम के थक गए, अभी बहुत भूख लग रही थी, तो हम यहाँ पे होटल में एक आ गए। यहाँ कोणार्क के होटल्स में बहुत मजेदार आइटम्स मिलते हैं। ये जो थाली देख रहे हो पापा, यम्मी, स्पेशली नॉनवेज थाली खा के तो मजा ही आ गया पापा। कभी आओगे ना तो आप यहाँ पे ट्राई जरूर करना। बेटा ये तो मुंह में पानी आ गया बेटा। जी पापा, ये तिरुपति होटल है, देख लो, याद रख लो, जब भी आओगे ना तो यहीं पे खाना खाना, मजा आ जाएगा। तो फाइनली हम धौली के लिए निकल गए पापा। बहुत सारे फिल्मों में ये सीन देखा था जो यहाँ पे शूट हुए थे, ये रहा वो थोड़ी पापा। अरे वाह बहुत बड़ा है यार। जी हाँ पापा। अरे दो सेकंड के लिए मुझे लगा वो प्लेन टकरा जाएगा। अरे नहीं पापा। हजारों लोग यहाँ आते हैं फोटो शूट करने के लिए पापा। तो फाइनली पापा हम धौली से लौट आए हैं वापस होटल में और आज का दिन भी खत्म हो गया पापा। अब नेक्स्ट डे मिलते हैं डायरेक्ट जगन्नाथ जी के दर्शन करते तब। तो पापा ये आज हमारा आखिरी दिन है पुरी में और आज हम श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकल गए हैं। ये देखो इलेक्ट्रिक ऑटो में बैठे हैं हम। और पापा पता है पुरी के लोग ना बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और
प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बेटा इसी मोहब्बत की बात कर रहा था तू? अरे अरे पापा, झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है। ओ ऐसी बात है क्या? रुक, तेरी माँ के साथ थोड़ा प्यार बढ़ा के आता हूँ। ये देखो पापा, कुछ दिखा? अरे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सालों की जो इच्छा थी ना मेरी, वो आज पूरी हो गई और मैंने जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है पापा मुझे। बहुत लकी है बेटा तू, सही में। तो पापा, जगन्नाथ जी के तो दर्शन हो गए, अभी पूरी बड़े दांडों में हम थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं। उससे पहले बहुत भूख लग रही थी पापा, हम यहाँ पे फूड कोर्ट में जाके खाना खा लिया। पूरी में भी बहुत अच्छे अच्छे होटल से पापा, जैसे कि ये। तो यहाँ खाना खत्म करके हम वापस समंदर की ओर निकल गए। जितना भी मन करो पापा, समंदर से मन हटता ही नहीं है। मन करता है दिन रात वहीं पे घूमते रहो। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। ये देखो पापा, आपकी बहू क्या कर रही है? अरे अरे, ये तो लड़कियों का काम है, जब भी बीच में जाते यही करते हैं। आज आखिरी दिन है पापा पूरी में, तो हम जी भर के समंदर में मौज कर लिए। पापा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, बाजू में समंदर है फिर भी यहाँ पे चापाकल क्यों डाला है लोगों ने? अरे बेटा, क्या इतनी सी बात नहीं समझ रहा? जिनको समंदर की पानी पसंद नहीं है, वो चापाकल की पानी में आके नहाएंगे। तो पापा फाइनली हम रूम पहुंच गए और चेकआउट करने का टाइम आ गया। बहुत मजे किया हमने पापा। अरे बेटा एक बात सुन, टॉयलेट में जो साबुन तौलिया सब कुछ है ना, सब उठा के लेके चल। क्या पापा, आप भी मरवाओगे आप? तो पापा देखो, हम अपने बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और अपने बस का इंतजार कर रहे हैं। यह है भुवनेश्वर का बरमुंडा बस स्टैंड। कितना सुंदर, कितना साफ सुथरा है, देख सकते हो ना पापा। एक भी डस्ट आपको नहीं दिखेगा इधर, चारों तरफ चकाचक एकदम। बेटा तू जो बोल रहे हो और जो दिखा रहे हो मैच नहीं हो रहा है।